नमस्कार, मैं अनुभूना विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। मामला बांदा जनपद के बबेरू तहसील के अंतर्गत मरक्का थाना क्षेत्र का है, जहां पर थाने के दीवान ने अधिवक्ता मनोज जी के साथ अभद्र भाषा, मारपीट, अपमानित करने का मामला सामने आया, जिसको लेकर अधिवक्ता संघ पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, जिसमें पूर्व से अधिवक्ताओं ने पूरे बबेरू कस्बे से दीवान के खिलाफ मौन जुलूस भी निकाला गया था। इसके बाद तहसील ने न्यायालय के सामने धरने पर बैठ गए थे। सुनवाई न होने पर पीड़ित अधिवक्ता सहित एक दर्जन अधिवक्ता कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। आज अनशन का तीसरा दिन है, जिसमें अधिवक्ताओं ने समर्थन पर आज व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी अनशन पहुंचे व अपना समर्थन देते हुए अनशन पर बैठ गए हैं। पेश है बांदा से अरबाज खान की एक खास रिपोर्ट। वहां पर मेरी दीवान के साथ झड़प हो गई थी, लोग जुट हो गई थी, और इसके बाद हमने एप्लीकेशन दिया था SDM साहब, सीओ साहब को, उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब से वकील हमारा अधिवक्ता समाज आंदोलनरत है, और हम लोग SP साहब से भी मिले थे, उन्होंने कार्यवाही का आश्वासन दिया है, और अब हमारे साथ इस आंदोलन में व्यापारी समुदाय भी बबेरू का आ गया है कल से, और ये कार्यवाही तब तक चलती रहेगी जब तक कि दीवान साहब को सस्पेंड नहीं कर दिया। कितने दिन से अनशन चल रहा है? अनशन तो 19 तारीख से शुरू हुआ था, पहला दिन था 19 तारीख का, तब से ये लगातार चल रहा है। मनोज कुमार पटेल के साथ जो अवहेलना की गई है थाना मरका में हेड मोहरी द्वारा, उसके विरोध में हमारा आंदोलन चल रहा है। उसी कड़ी में क्रमिक अनशन चल रहा है, आज अनशन का तीसरा दिन है, और इस कड़ी में हमारे सहयोग में व्यापार मंडल बबेरू के अध्यक्ष, सचिव और अन्य कार्यकर्ताओं सहित सहयोग में शामिल हो गए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। कब तक अनशन ये चलेगा? ये अनशन जब तक हमें पूर्ण रूप से इसमें रिजल्ट नहीं आ जाएगा, क्योंकि कप्तान साहब ने 3 दिन का समय लिया है, तो 3 दिन में उन्होंने कहा है कि हम कुछ ना कुछ करके ही रहेंगे। हमने उनसे मांग किया कि निलंबन किया जाए संबंधित हेड मोहरीर को, या उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जांच करवा करके और तुरंत कार्रवाई करूंगा, मुझे 3 दिन का समय दिया। अभी फिलहाल तो हम 3 दिन उनके आश्वासन पे चल रहे हैं, यदि रिजल्ट नहीं आता है आंदोलन हमारा और तेज होगा, और बांदाबार मंडल के लगभग सभी तहसील स्तर के, जिले स्तरों के जो है बारों का सहयोग लेकर के हम आगे का जो है कदम बढ़ाएंगे, आगे की रणनीति करेंगे, और ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक सकारात्मक रिजल्ट नहीं आ जाता। क्या है मामला पूरा? ये हमारे मनोज वकील साहब हैं, ये मरका दीवान जो द्वारा जो इनके साथ अभद्रता की गई है, उसी के विरोध में हमारे वकील साथी अनशन में बैठे हैं, उन्हीं के समर्थन में बबेरू व्यापार मंडल भी साथ में है। जब तक ये मांग उनकी पूरी नहीं हो जाती है, दीवान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, सस्पेंड नहीं किया जाता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और व्यापार मंडल का पूरा समर्थन। क्या नाम है?